दोस्तों आज तुम्हें लेके चलेंगे हम अपने स्टेडियम और दिखाएंगे कि एक एथलीट की लाइफ कैसी होती है और वो रोज़ में क्या क्या करते हैं, और आपको अपने सर से भी मिलवाएंगे, ग्रुप से भी मिलवाएंगे। दोस्तों हम आ गए हैं लक्ष्मी नगर की रेड लाइट पे, जहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लग जाता है हमेशा। ये रेड लाइट है और ऐसा लगता है कि ट्रैफिक जाम ही हो गया। देखो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेडियम के बाहर और मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा स्टेडियम में, वो भी बिना कार्ड के, क्योंकि हमारे चाचा विदाई गए हैं। अब देखना हम कैसे जाएंगे एकदम सुन करके अंदर, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारा स्टेडियम कैसा है आज और कितना मस्त स्टेडियम है। ये रही हमारी पार्किंग, और जहाँ क्या है सिर्फ हम ही किंग। दोस्तों स्टेडियम में सबसे पहले आके करना होता है वार्म अप खिलाड़ियों को। ये सिड खिलाड़ी, ये चुईया खिलाड़ी, और ये डुंगडुंग खिलाड़ी, और रितेश भाई खिलाड़ी। ये सारे खिलाड़ी हैं हमारे स्टेडियम के, और एक खिलाड़ी ये खड़े, एक खिलाड़ी ये है खिलाड़ी। इंट्रोडक्शन तो मिला दो इनको, डुंगडुंग से मिलाओ इनको। ये डुंगडुंग से मिलाओ, ये हमारे खिलाड़ी है फ्रॉम केनिया, ये केनिया से आए हुए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने स्पेशल दिल्ली में हमारे ग्रुप में। और बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। इससे जल्दी ये हमारा फौजी, ये भाई फौज में है, इंडियन आर्मी में, और ये भाई भी यहाँ पे रनिंग करते हैं। फौज वालों ने अलाउड किया हुआ है हमारे ग्रुप में करने के लिए। ओके चलो 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 चलो। अब ये सब वार्म अप करने जा चुके हैं, अब ये बाहर के दो लैप लेंगे, फिर ये आएंगे एक्सरसाइज करने इधर, और फिर ये रनिंग वगैरह करेंगे। भाई ये है अपने भाई विकास भाई, बहुत तगड़े एथलीट है ये, दिल्ली में नाम है इनका, और ये अभी अभी मिल गए मेरे को। पहले ये मेरे साथ ही दौड़ते थे, हमारा कंपटीशन होता था, मैंने तो छोड़ दी रनिंग। और सुनो भाई क्या हाल है? भाई बहुत तगड़े प्लेयर थे अपने टाइम के, अभी भी हैं, हम भी छोड़ चुके हैं अपना। छोड़ दी भाई तुमने भी, चलो अब दोबारा आए हैं करने के लिए। चलो अच्छा दोबारा भी स्टार्ट कर दी। चलो भाई, और दोस्तों पुराने अपने कॉम्पिटिटर्स मिल गए थे अभी, और ये है मेरा स्टेडियम पीछे देखो। ये अंदर वाला ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमारी ट्रेनिंग हमेशा शुरू से बाहर वाले पे ही होती है, क्योंकि मतलब बाहर ही सही लगता है। अंदर वाला ट्रैक ना मतलब इवेंट वगैरह में ही जाना पसंद करते हैं हम, वैसे तो बाहर ही पूरी ट्रेनिंग वगैरह चलती है। ये पार्किंग एरिया, और ये बाहर वाला ट्रैक है। ट्रैक तो दोनों सेम ही है, पर अंदर ये है कि अंदर वाले पे ना इवेंट्स वगैरह होती है, वो नया नया ट्रैक है, और उसको ना ये ज़्यादातर अंदर भीड़ भी ज़्यादा रहती है, मतलब बाहर भी अभी तो फिलहाल भीड़ है, पर अंदर इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है। ये देखो एक लैप इनका हो चुका है अभी। आज इन खिलाड़ियों का नॉर्मल इजी वर्कआउट ही है, मतलब कि इनके वार्म अप जैसे ही है। ये पांच लैप लगा रहे हैं बाहर के, तो बाहर के पांच लैप ही लगा रहे हैं, और मतलब कुछ हार्ड वर्कआउट नहीं है आज। ये पांच लैप लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी, और फिर हो जाएगी छुट्टी। और इससे मिलो भाई, ये है मालदीप, भाई ये बंदा हमारे ग्रुप में पहले करता था बहुत तगड़ी 400 मीटर। इतने का टाइम है भाई तुम्हारा, बेस्ट बताओ। 50 वैसे 49 भी लगा रखे मैंने, बट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। एक टाइम पे भाई के दिल्ली स्टेट में बहुत मेडल थे, अब भाई ने वैसे थोड़ी हल्की कर दिया, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, थोड़ा हल्का हो गया मामला, है ना। चलो कोई नहीं, वापस आना, तुम्हें लगानी है 43 की, ठीक है भाई। तो भाई ये कुछ कहना चाह रहे हैं? लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। तो भाई भी कुछ कह रहे हैं, भाई क्या बजाओ? घंटा बजाओ। बिल्कुल भाई घंटा बजाओ, बेल आइकन दबाओ। ये आ चुके हैं पूरे के पूरे पांच लैप करके, कैसा लग रहा है भाई? एकदम इजी, आज इनका इजी वर्कआउट था, यही वर्कआउट था, इजी सिंपल, फीलिंग फ्रेश, इजी, बिल्कुल इजी भाई, बिल्कुल बंदों को फर्क ही नहीं पड़ा इतने सारे किलोमीटर करके भी। 7 किलोमीटर है ना अभी, 7 किलोमीटर करी है इन्होंने, वेरी नाइस। दोस्तों अब हम तुम्हें मिलाएंगे अपने कोच साहब से,
जो रोहन को करते हैं ट्रेन, मैं भी मिलाऊंगा थोड़ा सा तुमको। हाँ, और सिड को भी सर करते हैं ट्रेन, तो ये हमारे सर रूफी सर जिन्होंने मिल्का सिंह को कोचिंग, मिल्का सिंह जो मूवी है वो सारी सर ने लिखी थी, और मतलब डायरेक्टर जो थे उसके उन्होंने भी लिखी थी पर सर ने भी लिखी थी, दोनों ने मिलके लिखी थी, और हमारे सर इंडिया के सबसे बढ़िया कोच है। सब्सक्राइब टू रॉबिन चंडील्स ब्लॉग। थैंक यू सर। भाई सर ने कह दिया आप तो सब सब्सक्राइब कर देना। देखो यहाँ पे केनिया से भी खिलाड़ी आए हुए हैं, देखो तैयार होने। ये केनिया से आया हुआ बंदा इंडिया, ये देखो इनको नमस्ते भी करना हमने सिखा दिया है, और काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। और ये मेरा भाई जो रोहन है, ये केनिया वालों को हराएगा एक दिन, केनिया वाले बहुत कॉम्पिटिशन देते हैं। ईजी वाली लॉन्ग रनिंग करके 7 किलोमीटर, अब ये सब एक राउंड बना के कर रहे हैं स्ट्रेंथ वर्कआउट, जिससे बॉडी में पावर आए। ये कुछ इन्हें समझा रहा है कि 15 मिनट प्लैंक करना है, कंटिन्यू नहीं, एक एक मिनट कर करके, एक एक मिनट करके 15 मिनट इन्हें प्लैंक करना है। एक प्लैंक नहीं, एक मिनट के में हालत ख़राब हो जाती है। ये करने वाले हैं पूरे के पूरे 15 मिनट, एक एक मिनट के, तभी तो ये हैं खिलाड़ी असली। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितने शक्तिशाली हैं, बिल्कुल बराबर टक्कर दे रहे हैं बड़े बड़ों को। और ये अपना रोहन भाई, अब दोस्तों मैं आया हूँ तो थोड़ा सा भागूंगा भी, तो मैं भी थोड़ा बहुत भागता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि मैं कैसा भागता हूँ, और देखना मेरी भी रनिंग। दोस्तों भाग के थोड़ी पावर लग गई थी, तो हम खा रहे हैं प्रोटीन बार, क्योंकि रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है भागते हुए। देखो दोस्तों रात को स्टेडियम का नज़ारा, अभी तो इन्होंने सिर्फ ये बड़े वाले टावर लाइट्स में एक एक लाइट जलाई हुई है, पर जब ये सारी जलती है ना तो रात में दिन हो जाता है, पर रात को देखने में मस्त लगता है स्टेडियम है ना। अब ये वर्कआउट हो चुका है, अब ये सारे खिलाड़ी जा रहे हैं अपने अपने कपड़े पहनने, और ये थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे अब और रिलैक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल थक चुके हैं सारे, इन्होंने बहुत सारा कोर वर्कआउट करा है, देखो दिन से रात करवा दी इन्होंने वर्कआउट कर करके। ये रोहन भाई हैं देखो, अब ये सबसे जीत के दिखाएंगे तुम्हें। आगे नहीं आया। अब दोस्तों फिर से इनकी होने वाली है 50 मीटर की स्ट्राइड। ये देखो हमारा रोहन भाई सबसे आगे चैंप। ये थोड़े ढीले खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे भाग रहे हैं, पीछे वाले बढ़िया हैं, ये तेज भाग रहे हैं, ये देखो कैसे उड़ते उड़ते आ रहे हैं। आ गया अपना विलेन और अपना केनियन। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग स्टेडियम का, और आगे भी ऐसी स्टेडियम के व्लॉग अगर आपको देखने हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक और शेयर कर दो सारे जहान में। और रोहन सर भी आ चुके हैं, रोहन सर कुछ कहना चाहोगे पब्लिक को? क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ। अब ये रोहन आके गंदा संदा हो गया था ना वहाँ पे, लेट लेट के वर्कआउट कर रहा था, तो अब ये तौलिया लेके इसलिए घूम रहा है, अब ये पानी गर्म हो रहा है इसका, अब ये नहाने जाएगा फिर नहा के बैठेगा, क्योंकि लेट लेट के वर्कआउट हो रहा था ना आज। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।